नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। राजगढ़ के एएसआई राजेंद्र मालवी ने फीमेल फ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जहर खा लिया। भोपाल में 10 दिनों तक इलाज चला, शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। राजगढ़ के इस पुलिस अफसर को गाने का बहुत शौक था, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। इसमें वो मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा गाते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनका आखिरी गाना था। मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ के जिस बारेलाल बैंड के नाम का डंका बजता है, एएसआई राजेंद्र मालवी उसी बैंड के मालिक बारेलाल मालवी के बेटे थे। नरसिंहगढ़ के बारादवारी मोहल्ले में रहने वाले मालवी ने वहीं के कॉलेज से बीकॉम किया था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही पिता बारेलाल का निधन हो गया था। वहीं पिता की मौत के बाद 1995 में उनका चयन पुलिस विभाग में हुआ। पिछले 1.5 साल से राजेंद्र करनवास थाने में पदस्थ थे। एएसआई के 3 बच्चे भी हैं, जिनमें बड़ी बेटी वैष्णवी, भावेश और जैस शामिल हैं। वही दोस्तों की माने तो नरसिंहगढ़ के रहने वाले राजेंद्र मालवी की पहचान कुछ समय पहले ही राजगढ़ में उन्हीं के गांव की रहने वाली गीता से हुई थी। बातचीत बढ़ी तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। महिला ने दोस्ती में दगा करते हुए राजेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर राजेंद्र ने 12 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे करनवास के एक होटल में खाना खाने के दौरान जहर की 2 गोलियां खा ली। तबियत बिगड़ने पर होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भोपाल के लिए रेफर किया गया। वहीं भोपाल के निजी अस्पताल में 10 दिन चले इलाज के बाद उन्हें LBS में भर्ती किया गया। दोनों ही किडनी खराब हो जाने के कारण शुक्रवार को एएसआई राजेंद्र की मौत हो गई। वहीं पुलिस की माने तो नरसिंहगढ़ की रहने वाली गीता की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एएसआई ने जहर खाया था। करनवास पुलिस ने गीता के खिलाफ धारा 384 के तहत मामले को दर्ज किया था। एएसआई की मौत के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने पर धारा बढ़ाते हुए महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। उनके बयान के आधार पर एक महिला के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अभी उनका PM रिपोर्ट प्राप्त करके और भी जो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।